मगर जब जब किसी के साथ अत्याचार होता है, जब बेटियों के साथ, जब हमारे युवाओं के साथ मार पिटाई होती है, जब हमारे बुजुर्गों को पीट दिया जाता है, तब लोग क्या घरों में बैठ करके आंदोलन चला रहे हैं। काम करता है। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि भाइयों बहनों बेटियों, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जो लक्ष्य संगठन हमारा है, ये बाबा साहब ने हमको मालामाल कर दिया महिलाओं को, इसलिए हम महिलाओं ने अपनी जिंदगी बाबा साहब के नाम कर दिया। कि आज जितने लोग में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस तरफ आग जल रही है, उस तरफ आग जल रही है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सिवा लक्ष्य संगठन में शामिल होने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं है। मैं बहुजन समाज से अपने हर जितने ये चाटकर लोगों ने हमको 6,743 जातियों में बांटा है, मैं कहना चाहती हूँ कि आज जब ये वचन लेती है हमारी कमांडर है कि जब तक हमारा 85% समाज प्रबुद्ध भारत नहीं बना देंगे, हम लोग कल नहीं लेंगे, हम लोग ऐसे ही लगे रहेंगे। क्योंकि आज हमारी वो स्थिति आ गई है कि संविधान की प्रतियां जलाई जाती है तो देशद्रोही का मुकदमा नहीं होता है, और अगर उनके हम कोई हमारा कोई कोई अगर बहुजन समाज का कोई नुकसान पहुंचा देता है तो उस पर राष्ट्र लगा दी जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये क्या है, ये सिर्फ हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ मेरा जीवन बेकार है अगर आपने अपने महापुरुषों को ना जाना। सबके पास टच फोन है, अपने मोबाइल में अपने महापुरुषों को सर्च कर लो, अपने बच्चों को बताओ और खुद जानो। महिला कमांडरों ने इस बात का संकल्प लिया है कि अपने बहुजन समाज के संघर्ष, जितना भी बहुजन समाज के अधिकार हैं, जो अत्याचार हैं, इनको जड़ से मिटाने का काम करेंगे। इस बात का महिलाओं ने संकल्प लिया हुआ है। आज मैं देख रही हूँ कि आज कई दिन से कंचन नैना जी लगी हुई है और इनके साथ पूरा परिवार लगा हुआ है, और बीच में प्रधान जी भी चल के आए हैं और हमारे बीच में अखिलेश प्रधान जी भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो हमारा युवा है, ये भी हमारे संगठन को टाइम दे रहा है, संगठन से जुड़े हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज में बहुत बड़ी कमियां भी हैं, जिनको हक और अधिकार मिल गए, जिनको सुख और सुविधाएं मिल गई, वो अपनी सुविधाएं नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो हमारा बहुजन समाज है जो गांव की तरफ और जो शहर में पड़ा है, जो झुग्गी झोपड़ी में पड़ा है, उसके
समन्वय संगठन और महिला कमांडर संघर्ष करेंगे। संगठन तो बहुत बने हुए हैं, मगर जब जब किसी के साथ अत्याचार होता है, जब बेटियों होता है, जब हमारे युवाओं के साथ मार पिटाई होती है, जब हमारे बुजुर्गों को पीट दिया जाता है, तब लोग क्या घरों में बैठ करके आंदोलन चला रहे हैं? साथियों, इससे काम नहीं चलेगा। आपको निकलना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। घर बैठे आंदोलन नहीं चलता है। आज बाबा साहब के बदौलत से, आज माननीय काशीराम साहब की देन या जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी बदौलत से आज आपको अच्छी शिक्षा मिल गई, आज आपको नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया आपने घर बना लिया, बहुत बढ़िया आपने गाड़ी खरीद ली। मगर आपका समाज के लिए क्या योगदान है? जिस दिन आप समाज के लिए करेंगे उसी दिन आप इंसान कहलाएंगे। बीच में आप इंसान नहीं है। घर में बैठ करके आंदोलन नहीं चलता है। हमारी बहने चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, 24 घंटे निकलने के लिए तैयार है। आज चीफ कमांडर साहब हमारे बीच में हैं, उन्होंने इतना बेहतरीन संगठन दिया है और लीड करने का महिलाओं को दिया है। ये हमारी बहनें लीड कर रही हैं। अभी मैं देख रही थी, मेरे पैर में दिक्कत थी, हमारी बहनों ने घर में जा करके लोगों को निकाला है। क्या इस गांव की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या पड़ोस के गांव की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके गांव की बेटी और इस गांव में प्रोग्राम इतना बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने रखा है, तो आप लोग अपने घरों से निकल करके आइए, कम से कम सुनिए, समझिए, हम आपके लिए आए हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर मैं देखती हूँ हमारे भोजन समाज के लिए बहुत ऐसी समस्याएं हैं। आज उनके पास शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आज बहुत ऐसी दिक्कतें हैं। हमारे युवा पढ़ लिख करके कहाँ जाएगा? सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए गए, कहाँ वो नौकरी करेंगे जाकर के? प्राइवेट में वही हाल होगा कि आज उनको रखा जाएगा, कल उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जितने भी हमारे साथी भाई बैठे हैं, बता दें वो कहाँ से नौकरी करेंगे, कहाँ से वो अच्छे इंसान बन सकेंगे, कहाँ से बाबा साहब ऐसा सूट पहन सकेंगे? क्या आप लोगों को नींद आती है? अरे सही मामले में अगर आप लोगों ने महापुरुषों को पढ़ लिया है, अगर आपने समझ लिया है, तो शायद आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। सिर्फ अपने परिवार के लिए अगर खुश हो तो क्या खुश हो? आज हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, आज हमारे युवाओं के साथ मार पिटाई हो जाती है, मगर कोई घर से नहीं निकलता है। हमारे समाज के, बहुजन समाज के नेता 131 पार्लियामेंट में बैठे हैं, MP क्या कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए? हम तो अपनी बहनों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में अगर 5 साल तक कोई काम नहीं हुआ है और अगर आपके गांव में वोट मांगने आ जाए, आपके हाथ में जो भी हो आप उनको दौड़ा सकती हैं। जिसने आपके गांव के लिए किया है, जिसने आपके लिए किया है, आप उसको बार बार नेता बनाएंगे। मगर जिसने नहीं किया है, जिसने आपको तकलीफ दी है, आपको पूछने तक नहीं आए हैं, बताइए आप लोग कैसे रह रहे हैं? आपके पास खाने को है कि नहीं है? आपके पास पहनने को है कि नहीं है? आपके पास काम है कि नहीं है? कितनी परेशानी हमारा बहुजन समाज जो गांव की तरफ जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, कितनी परेशानी उठा रहा है। अभी कितनी यहाँ ठंड पड़ रही थी, लोगों ने चार चार हीटर अपने घरों में लगाया, हर रूम में लगाया, पर जो हमारे लोग गरीब लोग जो नाला के किनारे जो झुग्गियों में रह रहे थे, उनसे पूछे, उनके पास एक रजाई तक नहीं थी, एक चादर तक नहीं थी। क्या हमारे समाज के लिए लोग कर रहे हैं? हम तो कहते हैं साथियों, अब बाबा साहब आपको गुलामी से आजादी नहीं कराने आएंगे, अब आपको आंदोलन करना होगा, आपको शक्तिशाली बनना होगा। अगर हमारी कोई भी बहन नहीं पढ़ी है तो क्या हुआ? वो घर तो चलाती है, परिवार को तो समझती है, वो ऐसा ऐसा काम करती है जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोई भी बहन कमजोर नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग लड़का और लड़की के अपने कोख से ही जन्म देती हो, पर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। दोनों बच्चों की शिक्षा बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भी किसी की बेटी है जो बैठी है, है? बहुत आम लोगों ने देखा, माननीय काशीराम साहब ने साइकिल चला चला करके बाबा साहब के इतिहास को घर घर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? अगर उन्होंने रात दिन कर दिया, मगर देखा जाए कि हमारा
बहुजन समाज, उसके बाद लोगों ने काम अगर किया होता तो शायद आप ही की सरकारें होती, आप ही राज कर रहे होते, आपको झोपड़ी में नहीं रहना पड़ता, आपको घरों में रहना पड़ता। अभी देखा होगा कोरोना के टाइम महामारी बीमारी जब आई तो किसके साथ आई थी? बड़े बड़े नेताओं के साथ आई थी ना। विदेश में हमारे गरीब लोग नहीं जाते हैं? जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। मगर कहीं ना कोई रोकथाम नहीं करी गई, एकदम लॉकडाउन कर दिया गया। क्या आपको कोई अस्पताल मिला? क्या आपको अपने शहर में वापस आने के लिए मिला? नहीं मिला। सारी फैक्ट्री बंद कर दी गई। हमारी वो जो बहनें थी जो दिल्ली ऐसे बम्बई ऐसे शहर में फंसी थी, उन लोगों ने जब अपने घर के लिए चल दी, जब कोई सुविधा ही नहीं वहां थी, जिन महिलाओं को अपने घरों के अंदर जन्म देती है बच्चों को, उनको सरकारों ने मजबूर कर दिया कि उन्होंने सड़क पे बच्चे का जन्म दिया। क्या आप लोग ऐसी चाहती हो? नहीं चाहती हो? आप लोग हाथ उठा के बताइए, क्या आपको ऐसी ऐसी परेशानी चाहिए? नहीं चाहिए। आपको सारी सुविधाएं चाहिए। जब आप लोग वोट करने जाती हो तो क्या आप लोग ये नहीं सोचती हो कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए? बहुत ऐसे गांव हैं जहां से फोन आते हैं लोगों को राशन तक नहीं मिल रहा है। हमारे जो जो हमारे जो है बहुजन समाज के लोग जो है प्रधान है, मगर प्रधानी सब समाज के लोग चला रहे हैं। कितना एक चिंता का विषय है। लोग कहते हैं हमको इतने महीने भी राशन नहीं मिला, हम कहते हैं राशन हमारे हाथ में तो है नहीं। आप लोग कम से कम सारे लोग इकट्ठा हो जाइए, भेज लीजिए उसको। जब तक आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे आपको हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने